ओके सो हे गाइस, वस्सलाम अलैकुम, वेलकम बैक टू विनर द वीडियो। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस आज की वीडियो में हम एडिट करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू रील वीडियो एडिटिंग, जो कि आपने इंस्टाग्राम पे देखी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल भी होती है वाली वीडियोस। तो चलिए आज की वीडियो में बताता हूँ कि आपको कैसे एडिट कर सकते हैं वाली वीडियोस। तो अगर जैसे हम इस वीडियो को एडिट करेंगे कैपकट ऐप में, तो आप लोगों को जस्ट करना क्या गाइस, आप लोगों को अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप वीडियो एडिट करने वाले हैं। गाइस देखिए, मैंने एग्जांपल के लिए एक वीडियो ले रहा हूँ, मतलब कि आपको ऐसा ना लगे कि मतलब मैं जो वीडियो को एडिट कर रहा हूँ उसका ही प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे गाइस आप कोई सी भी वीडियो को एडिट कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब आप वीडियो को किसी भी वीडियो को किस तरीके से एडिट कर सकते हो। जस्ट देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक वीडियो लिया है एंड इसका मैं एक डुप्लीकेट लेयर बना लूँगा एंड इसको मैं ओवरले में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है, ताकि मैं जो है इसमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि गाइस देखिए अभी मैं इसमें एक ओवरले में एक वीडियो ऐड और करूँगा, जिसका जो कि मतलब होगा ग्रिड वाला जो वीडियो अभी चल रहा है ट्रेंड में, उसको ऐड करूँगा, ठीक है। एंड इसको ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको जब मैं ऐड कर लूँगा तो यहाँ पे सिंपली एंड जस्ट क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा मास्किंग में, ठीक है, यहाँ पे मास्किंग वाला ऑप्शन होगा, इसमें जाके एंड इसको जो हॉरिजॉन्टल वाला जो है इसको लेके एंड ऊपर की साइड में रख के एंड इसको जो है मैं थोड़ा स्मूथ कर लूँगा, ठीक है। एंड जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वीडियो लिया है ये वाला ओवरले, इसका जो है मैं कटआउट बनाऊंगा यहाँ पे। एंड कटआउट बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, ऐसे चले जाएंगे ओवरले में, सॉरी लेयर में, यहाँ पे लेयर का एक ऑप्शन मिलेगा आप सभी को, ठीक है। जैसे कि मतलब कि यहाँ पे अभी ग्रिड वाला जो प्रोफाइल है मेरे ऊपर आ रहा है, तो हम ओवरले में जाके ग्रिड को हम पीछे कर देंगे एंड जो हमारा मॉडल होगा वो आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जिसमें जो ओवरले हमने ऐड किया था इसको जो है हम यहाँ पे जो जहाँ तक जहाँ पे हमने स्टार्ट किया ना वहाँ पे रखेंगे एंड यहाँ पे सिंपली जहाँ पे एनिमेशन में जाके यहाँ पे कोई भी जो एनिमेशन आपको सूटेबल लगे आपको वो ऐड कर लेना था। यहाँ पे मैं शेक फर्स्ट वाला यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे एक बार प्ले करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे को एक वो लगाना है एक PNG, जहाँ पे यहाँ पे कैमरे की बात हो रही है फोटोग्राफी की, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक कैमरे का PNG यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर आप में कोई एडिटिंग का यूज़ कर रहे हो तो आप एडिटिंग के, जब कोई PUBG का या फिर आप एडिटिंग के लिए कर रहे हो तो आप कहीं PixArt का Lightroom का एडिट कर सकते हो, या फिर आप गेमिंग की बात कर रहे हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। भाई गाइस सिंपली हम इसमें जो है एक एनिमेशन ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो आपको यहाँ पे लगे आपके हिसाब से सूटेबल आप वो ऐड कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये स्लाइड वाला कर ले रहा हूँ एंड यहाँ पे इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक फोटो वीडियोग्राफी की बात हो रही थी, वीडियोग्राफी के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पर टेक्स्ट भी लिखना जरूरी है गाइस, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि हम हर जगह PNG का यूज़ कर लें, टेक्स्ट लिखने से भी थोड़ा मतलब वीडियो कूल सी लगती है। यहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह आप अपने हिसाब से देख लेना, ढेर सारे फॉन्ट्स हैं इसमें, ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे हम कुछ इस टाइप से एंड उसके बाद जो इस इफेक्ट में जाके ये वाला हम इफेक्ट रखेंगे इसमें, ठीक है, ग्लोइंग वाला। एंड उसके बाद एनिमेशन में जाएंगे, एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पे एनिमेशन देख लेना अपने हिसाब से, बाकी मैं यहाँ पे ग्लिच वाला रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें इफेक्ट अभी भी मैं साउंड इफेक्ट लगाऊँ तो काफ़ी अच्छी लगी कि साउंड इफेक्ट के साथ ही, तो मैं यहाँ पे रख लिया। अब मैं सिंपली एक बार प्ले करके चेक करूँगा कि हमें कैसा लग रहा है, बाकी अभी मैंने साउंड इफेक्ट वगैरह नहीं लगाया है, तो मैं क्या करूँगा अभी इसको मैं थोड़ा वीडियो का लेंथ भी बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं एंड उसके बाद जहाँ तक आपको रखना हो वहाँ तक आप रख लेना, बाकी का पार्ट जो आप ट्रिम कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो अदर चीज़ में हम क्या करना है, बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको हम डिलीट कर देंगे यहाँ पे कट करके। एंड अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे एडिटिंग की बात हो रही है, तो मैं सिंपली टेक्स्ट में एडिटिंग लिख दूंगा एंड इसको जो है मैं ऊपर की साइड में इस तरीके से यहाँ पे रख दूंगा एंड इसका इफेक्ट चेंज कर दूंगा, ठीक है। इफेक्ट बहुत सारे हैं तो यहाँ पे आप जो मर्जी चाहो वो ऐड कर सकते हो, ठीक है, वैसे मैं ऐड कर लेता हूँ एक, तो मैं ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका भी एनिमेशन चेंज करेंगे, मतलब एनिमेशन तो लगाना पड़ेगा ना, तो एनिमेशन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एनिमेशन लगाऊंगा यहाँ पे, तो वो स्लाइड वाला लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को इफेक्ट भी लगाना है ना, साउंड इफेक्ट तो उसमें भी लगना चाहिए कि कूल चीज़ थोड़ी सी है ना। बाकी मैं जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी मैं अपलोड करूँगा अभी लास्ट में, आप देखना। बाकी आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे जो टैग्स ये वाले टैग वाले वीडियोज़ भी देख सकते हो, मैंने वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया है। बाकी टेक्स्ट वगैरह अपने हिसाब से लिख लेना है एंड यहाँ पे आपको जो है एनिमेशन भी लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन को ऐड करता हूँ एक और बढ़िया सा, तो मैं ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कैसे यहाँ पे मैं इसका भी इफेक्ट चेंज कर दिया मैंने। अब बाकी यहाँ पे बारी आती है हमारी साउंड इफेक्ट की, ठीक है, तो साउंड इफेक्ट कैसे लगाना है वो मैं बताता हूँ आप सभी को। तो साउंड इफेक्ट तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ, बाकी मैं चेंज करूँगा बाद में, ठीक है, बट मैं यहीं से लगा रहा हूँ। बाकी मैं तो चेंज कर देता हूँ जब मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, बाद में मैं काइन मास्टर्स लगाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इजी नहीं हो पाता है। तो साउंड इफेक्ट के लिए मैं यहाँ पे ये पॉप वाला साउंड इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, बाकी मैं इसको कट करूँगा, यहाँ से दो है क्योंकि इसमें। तो यहाँ पे देखिए जो मतलब कि साउंड इफेक्ट लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें जो आपको ना ये लेयर दिख जाएंगी इनकी, ये नॉइज़ दिख रहा होगा ना लेयर में, आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो। तो मेरे को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे परफेक्ट। फिर अगेन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, फाइल सेलेक्ट करके एंड यहाँ से मैं ये ग्लिच वाला यूज़ करूँगा, क्योंकि टेक्स्ट में ग्लिच आ रहा है ना वाला, मैंने आपको बताया था ग्लिच वाला टेक्स्ट यूज़ करूँगा मैं, थोड़ा आगे की तरफ रख के एंड इसके बाद यहाँ पे ये एंड फाइनल देखिए गाइस, ठीक है। अभी मतलब आपको तो सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे म्यूट कर रखा है इसे, क्योंकि मैं फाइनल रिजल्ट आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्लाइड वाला आ रहा है, तो यहाँ पे हम जो है क्लिक वाला वो लगाएंगे साउंड इफेक्ट, ठीक है। तो ये रहा एंड इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड इसको मैं कॉपी करूँगा एक एंड बाकी जो मैंने फर्स्ट लिखा था जहाँ पे उसको मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, तो फाइनल ये रहा
एंड यहाँ पे हमारा वीडियो बन के एकदम बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, इसको मैं एक्सपोर्ट मार देता हूँ। ठीक है, बाकी जो है ये लास्ट का पार्ट डिलीट करते हैं एंड इसको आप 4K क्वालिटी में 60 FPS में इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। बाकी गाइस मैं आपको एक बार फाइनल रिजल्ट दिखाना चाहूँगा, तो एक बार फाइनल रिजल्ट देख लो। ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ अपने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एंड एडिटिंग के लिए। सबसे पहले जो मेरे सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।